खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। भ्रष्टाचार के मामले में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से ईडी ने की पूछताछ, लगभग 8 घंटे चली पूछताछ। अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी ने मांगी आत्मसमर्पण की अनुमति, आज होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के फायदे गिनाएगी बीजेपी, देश भर के 370 शहरों में जन जागरण करेगी बीजेपी। कर्नाटक के सीएम येदुरप्पा दिल्ली में बीजेपी के आलाकमान से मिलेंगे, कई विधायकों को मंत्री न बनाए जाने से पहले असंतोष पर चर्चा होगी। एमपी में बीजेपी नेता गोपाल भार्गव का कमलनाथ सरकार पर निशाना, कहा एक बीमार संतान कितने लंबे समय तक जी सकेगी। यूपी के सीतापुर में बीजेपी विधायक और उनके गुर्गों की गुंडाई सीसीटीवी में कैद, महेंद्र यादव पर सरकारी कर्मचारी से मारपीट का आरोप। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की याचिका रद्द, रामपुर में दर्ज हुई 27 एफआईआर को रद्द किए जाने की गुहार लगाई थी। बिहार के फरार बाहुबली विधायक अनंत सिंह का तीसरा वीडियो सामने आया, ललन सिंह, नीरज सिंह और लिपि सिंह पर साजिश रचने का आरोप लगाया, कोर्ट में सरेंडर करने का दावा। बढ़ सकती है एनसीपी नेता अजीत पवार की मुश्किलें, 5,000 करोड़ के महाराष्ट्र राज्य सरकारी बैंक घोटाला मामले में कोर्ट ने 5 दिन के अंदर आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मुंबई के एसपी नेता अबू आजमी ने दिया विवादास्पद बयान, कहा सरकार एनआरसी जैसे मुद्दों के जरिए मुसलमानों में खौफ पैदा करना चाह रही है। राजस्थान में कांग्रेस ने जयपुर से अलीगढ़ के बीच वॉल्वो बस सेवा की मांग की, मंत्री जी ने चंद्र घंटों में ही मांग मानी, अकेले बस यात्रा कर रूट की शुरुआत की। उज्ज्वला योजना में बड़ा घोटाला आया सामने, यूपी के बलरामपुर में गैस एजेंसी ने 5,000 गैस सिलेंडर लाभार्थियों को न बांटकर झाड़ियों में छिपा कर रखे थे। यूपी में सिद्धार्थनाथ सिंह का स्वास्थ्य मंत्रालय छिना, योगी सरकार ने हाल ही में मंत्रिमंडल में बदलाव किया है। दिल्ली की विधानसभा में मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई हंगामेदार, कुर्ते फटे, संत रविदास मंदिर का मामला छाया रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन लखनऊ में रहेंगे, सेना के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। हरियाणा के रोहतक में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने डीजे की धुन पर लगाए ठुमके, जन आशीर्वाद यात्रा के बाद करनाल पहुंचे थे। नागपुर में कांग्रेस ने नाटक का आयोजन किया, नाटक में दिखाया गया कि अन्ना हजारे के आंदोलन के पीछे आरएसएस का षड्यंत्र था। लंदन में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की रिमांड 19 सितंबर तक बढ़ाई गई, 13,000 करोड़ के घोटाले के आरोप है। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर चल रही सुनवाई का आज 11वां दिन है, आज भी हिंदू पक्ष के वकील दलीलें रखेंगे। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश बोले, हर वक्त मोदी को खलनायक की तरह पेश करने से नहीं होगा कुछ हासिल।